देखो माते की क्यों नहीं करनी हमें। प्रकाश भाई तो आपकी दुकानदारी करें गया मोर तो मैं सटर ऊसो हमेश की दऊं मैं तो आवन बैठा हूं। यूं नहीं करना हाथ, यूं करना था कि जयकार हाजिरी में लाके प्रार्थना में यूं भी आ करे। हाथ उठावे हाथ जोड़े बोलिए गौ माते की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप सबकी भी जय हो। मीरा भाई भगवान कृष्ण की पुकार की दी है, हे कन्हैया कलयुग रे माए मैं दुखी और मारा बाछड़ा दुखी और कलयुग रे माए लोग कण प्रकारों पाप कमावे रिया है। पुंडा बरखान की दो है बहुत सुंदर वजन रे माध्यम थी वो प्रस्तुत कर रही हूं। कटती गाया करे पुकार हे जी कदया वो मारा कृष्ण मुरार, गौ रक्षा रे कारणे कान देव थे पाछो यवता। बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल जी, देवड़ा नरेंद्र जी पूरी आप ईश्वर चाहूंग तबाव बहुत सुंदर व्यवस्था है। आज ना फिल्म हाईटेक स्टूडियो सभी का अनुमोदन और सभी के साथ लेकर बहुत सुंदर वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ संतों की इस पावन निश्रा में कि क्या क्या पाप पड़ा है और कौन कौन आदमी नरक का भागी होता है उसकी एक बहुत सुंदर अनुमोदना मीरा भाई ने करी है। मेरे शब्दों से मैंने उसको जोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश। अरे आव आव मारा हे जी कृष्ण कन्हैया, हे नटवर नागर थारी गाया भुला रे हे सांवरा बिगोया। आवे मारा कृष्ण कन्हैया, आवे आवे मारा नटवर नागर थारी गाया बुलावे रे हे सांवरा बिगोया। थारी गाया बुलावे रे हे सांवरा बिगोया। तबलो तबलो तोड़ो अनेरथे। मीरा भाई ने लिखा इस संसार में पहला अनर्थ पहला पाप क्या हो रहा है। पहलो रे अनेरथे हे दुनिया में गौ माता दुखी पावे रे, अनेरथ है दुनिया में गौ माता दुखी पावे रे। गौरा चाया बैनिया है, गौरा चाया बाछड़िया ये तो कटनी में, ये तो कटनी में जावे रे ये सांवरा बिगोया। आव आव मारा कृष्ण कन्हैया, आव आव मारा नटवर नागर थारी गाया बुलावे रे ए सांवरा बिगोया।
सभी से निवेदन करूंगा, कृष्ण कन्हैया को अरदास कर रहे हैं, पर गौ माता का जयकारा सभी लोग हाथ जोड़ कर जाओ ना, हाथ उठाकर हाथ जोड़ कर कर दें, जनारे हाथ में चाय वे हाथ ऊंचा मत कर जाओ, बाकी भले करे, चाय वाला नहीं कर तो चली, दोनों हाथ खड़े करके बोलिए गौ माता की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखियो मीरा भाई, पहलो अनरत है दुनिया में, गौ माता दुख पावे और गौरा जाया बाछड़ा कटनी में जावे रे सावरा बेगोवा। अब दूसरा अनर्थ बाप जी बैठे हैं, मैं ध्यान भी चाहूंगा सभी संतों का, पंचों का, आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो कटे जाओ तो लड़की हाटो मांगे सीधे गौ में जाती, अटपन करना के हाटो देना पड़ी, बदलो देना पड़ी, या कोई गरीब है तो सीधा पैसा छोरी रपिया अथरा देना थे पन्नी जन थोड़ा करो थे पन्नी जन जी दो। बाकी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ ऐसा कि कन्या के पैसे लेने वाले आदमी को 3 बार नरक का भागी बनना पड़ता है, तो जो बेटी रा पिया लेन पढ़ना वे वन्या हारू मीरा भाई लिखियो कि वादी गौरे बाजरा रे समान गाय रे समान लिखियो है, दू जोरे अनहरत हे दुनिया में कन्या बेच करी कावे रे, दू जोरे अनहरत हे दुनिया में बेटी बेच करी खावे रे, जो कन्यारा पैसा लेवे जो कन्यारा पैसा लेवे वो तो नरका में हे वो तो नरका जावे रे, सबरा बेगोआ अब आब मारा कृष्ण कन्हैया, अब आब मारा दत्तवर ना कर थारी गाया बुलावे रे, ये सवरा बेगोआ। ये मेरी बात कड़वी है, मेरी बात कड़वी जरूर है, अगे 100% खरी है, तू जो अनरत है दुनिया में बेटी बेच कर खावे और जो कन्यारा पैसा लेवे वो नर नरगो में, या बैठे हुए सभी लोगों से अभी प्रकाश भाई ने जागृति से बताया था और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि कभी सगाई सक्कुण करे अपनी बेटी के पैसे नहीं ले, घर से सिस्टम होता है कि धर्म पढ़नाते हैं तो मतलब खुले हाथ से वैसे ही दान किया जाता। अब तीसरा पंच लोग, पंचों रिवाज से भी लिखे हुए मीरा भाई के, पंच मतलब न्याय करता न्यायालय है, और अगर पंच अगर एक पक्ष रो न्याय करे दूजो दुखी हो जाए तो वन पंचों ने भी नरक रो भागी बनना पड़े। लिखियो है, तिजोरी अनहरत हे दुनिया वे पंच पाप कमावे, तिजोरी अनहरत हे दुनिया में पंच पाप कमावे, झूठो न्याय जगत में करता झूठो न्याय जगत में करता वे तो नरका में हे वे तो नरका जावे रे, हे सबरा बेगोआ अब आब मारा कृष्ण कन्हैया, अब आब मारा नटवर नागर थारी काया बुलावे रे, ए सवरा बेगो बेगोया।
डॉक्टर साहब हमेशा लोगों को टेंशन देते हैं, पर आज ये किसी छोटे से मरीज को कह सकते हैं, छोटे से मरीज ने डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक दे दिया। मैंने आने का नहीं था, मैंने कहा मैं तो बाड़मेर निकल गया हूँ, हर्षमाड़ी के यहाँ जा रहा हूँ, तो क्योंकि भाई साहब ऐसे मत करो, मैंने कहा चला गया हूँ। तब एक डॉक्टर साहब को देख के मुझे बात याद आ गई, एक गाँव का नाम अमरपुरा, अमरपुरा। अब गाँव का नाम अमरपुरा है जहाँ रही जना पूछियो कि थोड़ा गाँव का नाम अमरपुरा क्यों, गाँव में कोई मरे नहीं, ये साहब सब अमर है, ठीक है। एक कोई डॉक्टर साहब आई गया, डॉक्टर साहब ने किया, डॉक्टर साहब दुकान मत ही लगाओ, हमारे गाँव में कोई मौंदा नहीं पड़े, क्योंकि गाँव में कोई मौंदा नहीं पड़े, कहाँ बीमार पड़ते ही नहीं। जितने चार पाँच दिन बाद में एक कोई भाई मौदो व्योड़ो अपने एम्बुलेंस में गालें ले गए, डॉक्टर साहब हाथा हाथ गाँव वाला भेड़ा करिए पूछिए कि अरे थे तो कौन, मारे गाँव में कोई बीमार पड़ता ही नहीं है, तो ये बीमार पड़िया जो कौन है। गाँव वाला भेड़ा हुए हम क्यों, डॉक्टर साहब ये मोरे गाँव रहा नहीं है, ये थोड़े वाले जूर जू हाथ मिला पहली मोरे गाँव में दुकान खाली थी, एक ही मरीज नहीं आई हो तेरे, हमें ये तो खुद ही टेंशन में आई आनो लेकर एम्बुलेंस में। डॉक्टर साहब वो टेंशन नहीं लें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि मेरा वचन दिया हुआ कभी खाली एक सरप्राइज देना था आपको, इसलिए आकर के एक घंटे पहले बैठा हूँ। एक बार भरत जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, पूरा कार्यक्रम शानदार ऑर्गेनाइज किया है भाई नूतन जी, और मेरा भाई ने लिखा है आज कुछ पूरा नहीं 12-13 वर्षों पहले की कुछ यादें यहाँ मंच पे ताजा हुई है, नहीं मैंने नहीं की, कर ली वो तो हो गई है। लिखा है चौथोरी अंधेरत ये दुनिया में कूड़े बोले पछतावे रे, बिना शपथ रे करे को जने वे, बिना पान रे करे रे क्या मेरे तो नरका में, हेवे तो नरका में जावे रे, सब जाते भोया अब आब हमारा कृष्ण कन्हैया, अब आब हमारा नटवर नागर थारी काया, बुलावे रे ये सांवरा ते भोया। गुरु बिना ज्ञान ना पावे रे, भाई मेरा कहे कीर्तन ना करे कोई, गुरु बिना ज्ञान ना पावे रे, बिना गुरु रे फिरे रे पटकता, बिना गुरु रे फिरे रे पटकता, 84 में जावे रे सब राते गोला, अब आब हमारा नटवर नागर, अब आब हमारा कृष्ण कन्हैया।